40 के दशक में बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर राज करने वाली मुमताज एक बड़ी अदाकारा होने के साथ बड़ी दिलवाली भी थी। मुमताज एक उम्दा कलाकार होने के साथ ही कला की परख भी रखती थी। अमिताभ बच्चन और मुमताज ने 1973 में आई फिल्म बंधे हाथ में साथ काम किया था। इस दौरान मुमताज की गिनती बॉलीवुड की बड़ी हीरोइंस के तौर पर होती थी, वहीं अमिताभ फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मुमताज ने अमिताभ को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे इतनी बड़ी अदाकारा हैं। मुमताज सेट पर अपनी शानदार मर्सिडीज से आती थी। उनकी कार सेट पर सबसे महंगी कारों में से एक थी, लेकिन बच्चन साहब शूटिंग के लिए एक साधारण कार से आते थे। मुमताज के ग्लैमर से सेट पर कई लोग प्रभावित थे, उनमें से एक नाम अमिताभ बच्चन का भी था। बच्चन साहब मुमताज की कार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने दोस्तों से कहा था कि एक दिन वे भी मर्सिडीज ही चलाएंगे। ये बात मुमताज के कानों तक पहुंची, लेकिन अमिताभ की बातों पर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। शूटिंग को कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब अमिताभ शूटिंग कर वापस घर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी कार गायब है। जब लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मुमताज उनकी कार ले गई है और अपनी मर्सिडीज की चाबी अमिताभ के लिए छोड़ गई है। कार के साथ ही मुमताज ने अमिताभ के लिए एक संदेश भी छोड़ा था। संदेश में लिखा था कि आप जब तक चाहें इस कार को अपने पास रख सकते हैं। अमिताभ मुमताज के इस कदम से हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कलाकार ने अपनी कार उनके लिए छोड़ दी है। दरअसल ये मामला एक कार का ही नहीं था, ये एक कलाकार का दूसरे कलाकार के प्रति सम्मान था। मुमताज ने ये साबित कर दिया कि कोई कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता है।